आज हम बनाने जा रहे ऐसे डिश जो आप किटी में, बच्चों की बर्थडे पार्टी में, विंटर्स में, बारिश में कभी भी खा सकते हैं और हर को पसंद आता है। देखिए चीज पुल कितने अच्छे से हुआ है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पोटैटो चीज बॉल्स। मैंने लिए हैं ये 4 मीडियम साइज के पोटैटो, इनको हम करेंगे ग्रेट। इसको कर लेंगे ग्रेट। ये मैंने पोटैटो को सभी को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कैप्सिकम, ये कलर कैप्सिकम है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, आप चाहो तो मत डालो। इसमें डाले हम चिली फ्लेक्स, ये 1 टेबल स्पून है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून पिज्जा सीजनिंग, आप मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हो। और इसमें डालेंगे हम लोग सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप प्रोसेस चीज, और इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप कॉटेज चीज। इन सबको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिली आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, हाथों से दबा दबा के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और ये सभी चीजें एक साथ बाइंड भी हो चुकी हैं। आपने ऐसा ही इसको रेडी करना है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ज्यादा बड़ी नहीं बनानी, आपने ऐसे इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। ये देखिए ऐसी बॉल्स बना लेनी है। ये देखिए मैंने सभी बॉल्स रेडी कर ली है। अब हमें ये चाहिए प्रोसेस चीज, इसके मैंने क्यूब्स काटे हैं। एक चीज आपने ध्यान रखनी, ये आपके रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, फ्रीजर के या फ्रीज निकाल के सीधे आपने नहीं करने। अब आपने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, इसको फ्लैट कर लेना है और एक क्यूब्स रख के आपने इसको ये देखिए ऐसे अच्छे से रोल डाउन कर लेना है। सारी चीज को हम ऐसे ही स्टफ कर लेंगे सभी बॉल्स में। ये मैं एक बार और बता देती हूँ, ये आपने धीरे धीरे इसको फ्लैट करना है पहले, देन एक क्यूब्स रखनी है और इसको वापस बंद कर लेना है। इसी प्रकार हम सभी बॉल्स को रेडी कर लेंगे। अब मैं इसमें लूंगी 1/2 कप मैदा, कप लेंगे हम कॉर्नफ्लोर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। इन दोनों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर इसमें पानी डाल के हम इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये भी ठीक है, हमें थोड़ा पतला बैटर चाहिए तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ आपने ज्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। हमें ये एग्जैक्ट ऐसा ही बैटर चाहिए। ये बैटर रेडी और साथ में हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल को पहले इसमें और इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में और इसको अच्छे से इससे कोट कर लेंगे। आपने इसको अच्छे से कोट कर लेना है, एक्स्ट्रा जो भी हम वो होगा ब्रेड क्रम्स झाड़ लेंगे। ये आपने इसी प्रकार हमने सबको रेडी करना है। ये मैंने इसमें डाला, आपने कोट किया, जितनी बार इसको करेंगे उतनी बार आपको मिक्स करना पड़ेगा बिकॉज कॉर्नफ्लोर है हमारा नीचे बैठ जाता है। देन आपने इसको ब्रेड क्रम्स, देन इसको अच्छे से इसमें रोल कर देना है। रेडी करनी है। देखो मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें पहले हम थोड़ा सा कुछ डाल के चेक करेंगे कि हमारा ऑयल बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। देखिए ऑयल अभी हमारा गर्म नहीं हुआ है तो अभी इसको एक बार हम गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये मैंने डाला, ये 2 मिनट के बाद ऊपर आया था, इसका मतलब ऑयल हमारा ऑलरेडी हीट हो चुका है और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, तो हमने उसी हिसाब से इसको देखना है।
अगर ज़्यादा गर्म होगा तो चीज़ बॉल हमारी एकदम से ब्राउन हो जाएगी। अब धीरे धीरे हम इसमें चीज़ बॉल्स को डाल देते हैं। आपने एक बार तेज आंच पे इसको डालना है और एक बार आपने इसमें कड़छी वगैरह कुछ भी नहीं लगानी। जब 2 मिनट हो जाएंगे आपको पकते हुए, नीचे से हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, देन तब हम इसमें कड़छी लगाएंगे, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट होती है तो टूटने और फटने के इसके चांसेस रहेंगे। ये देखिए मैंने इसको डाल दिया और इसको हम एक बार 5 मिनट के लिए ब्राउन होने देंगे। और मैंने आंच को भी थोड़ा स्लो कर दिया अभी। अब ये देखिए इसको 2 मिनट हो चुके हैं और इसको हम धीरे धीरे आराम से ट्रांसफर कर देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे, बस आपने स्पेशली बस ये ध्यान रखना है कि आपने पहले इसको कड़छी नहीं लगानी है। अब जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होते तब तक हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। अभी देखिए एक साइड से तो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अभी दूसरे साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम इसकी आंच भी एक बार तेज कर लेंगे। ये देखिए चीज़ बॉल हमारी कितनी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। कितने क्रंची बने हैं ये देखिए,